Hey my dudes, welcome back to Pokemon Omega Ruby Randomized Nuzlocke और हम लोग आज अपना Randomized Adventure continue करने वाले हैं। पिछली बार हम लोगों ने अपना starter choose कर लिया था। अगर तुम लोगों ने episode 1 नहीं देखा है तो जाकर देखो यार, हमें बहुत ही ज़्यादा freaking awesome starter मिला था। दिखा देता हूँ मैं यार, एक बार तो दिखाई देना चाहिए। हमें मिला था RCS, yes, हमें RCS मिला था। मुझे लगा था ये fairy type का है, मतलब इसने fairy type जो plate होती है वो पकड़ी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसने कुछ आइटम नहीं पकड़ता, मैक्स एलिक्सर है इसके पास, वो फेरी टाइप प्लेट कुछ नहीं है। शायद इसका फॉर्म भी रैंडमाइज हो गया था। उसके बाद हमने बेकी को पकड़ा था जो कि है हमारी बे लीफ, वो था लुकिंग ऑसम। और इसके बाद हमें जाना है लेफ्ट साइड में जहाँ से हमारा एडवेंचर कंटिन्यू होगा। ये पता नहीं क्या फुटप्रिंट चेक कर रहा था, कर लिए चेक, कुछ नहीं मिला ना। पहले बोला था मैंने तो कुछ नहीं मिलेगा, पर मानता ही नहीं कोई हमारी बात, तो क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे इनवाइट किया था एक बंदे ने, बोल रहा था कि पोकेमॉन मार्ट में आना, कभी कुछ माल वाल मिलेगा तो मैं थोड़ी पोकी बॉल्स में ले लूँ क्या। वैसे है मेरे पास यार, 9 है मेरे पास। और एक एरिया में हम लोग पहला पोकेमॉन एनकाउंटर करेंगे, चाहे वो जितना बुरा सा बुरा हो या फिर अच्छे से अच्छा हो, हमें वही पकड़ना पड़ेगा। ये एक रूल है, तो पिछली बार मैंने रूल तोड़ दिया था, मुझे याद नहीं था यार, तो मैं क्या करता, थोड़े से ये खरीद लेता हूँ मैं। पैसे कम है पर या वी हैव टू बाय दोस। क्या पता कोई बहुत बुरा वाला भयंकर पोकन आ जाए जिसके पास एक पॉइजन टाइप हो, फिर भाई क्या होगा हमारा। इसलिए एंटीडोट्स आर द बेस्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड गो दिस वे। ओ, हमारा डेक्स नैप काम करने की सोच रहा है भाई, ठीक है बिल्कुल करेंगे, ऐसे काम करता है ना। हाँ, पर इसमें यार मुझे वो क्या कहते हैं, उनकी टेल दिखती नहीं है। जब वो टेस्ट किया था अभी बंदे ने, तब दिखी नहीं थी मुझे। खैर, अगर दिखी तो ठीक है, नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, पर हमें इस ट्रेनर को हराना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट चैलेंजर है यार ये तो। ओ ये निंजा बॉय कैल्विन ऐसा फर्स्ट चैलेंजर। लैंड्रस भाई, बच्चे के लिए लैंड्रस थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? लैंड्रस इज अ बिट टू मच। ओके ओके, लेट्स ट्राई दिस। ग्राउंड टाइप है और फ्लाइंग टाइप है भाई, अब क्या ही मैं इस पर यूज़ करूँ। मेरे पास कोई अटैक ही नहीं है इस पर यूज़ करने के लिए, यही बस यही होना है। ये क्या कर रहा है? अच्छा, मड स्लैप किया क्या मुझ पर, पता नहीं क्या किया। पनिशमेंट से देख लेता हूँ क्या होता है, शायद कुछ ढंका हो जाए, क्योंकि होगा तो नहीं। अरे हो गया, ओके भाई पनिशमेंट ज़्यादा अच्छा निकला भाई। ओके लैंड्रस यू आर डेड बॉय, सॉरी लेजेंडरी बॉय यू आर डेड। ओके, गो बैक टू योर चाइल्डिश बेबी पोकेबॉल। ओह एंड देयर गोज माय एरियल, लेवल अप हो गया। अभी मुझे अपने यार एरियल को तो हील करना ही पड़ेगा, पर मुझे अपने बेलीफ को, आई मीन अपनी बेकी को भी आगे रख लेना चाहिए, अच्छा होगा भाई। थैंक यू फॉर द रिपेल बाय द वे, थैंक यू निंजा बॉय। ओके, तो व्हाट आई हैव टू डू इज, अच्छा वैसे इसने हमें रिपेल इसलिए दिया क्योंकि मैंने ये भी ऐड किया है, जब भी तुम मतलब किसी को हराओगे ना तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिला करेंगे, तो हमें क्या पता कभी एपिक रिवॉर्ड्स मिल जाएँ, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है उसको ऐसे रैंडमाइजर को। ओके, सो ये टेक्निकल एक नया एरिया माना जाएगा है ना, हम लोग यहाँ पे एक पोकेमॉन पकड़ सकते हैं। ओके लेट्स ट्राई एंड कैच अ पोकेमॉन। अब ट्राई एंड कैच क्या, ये जो आएगा इसी को पकड़ना पड़ेगा। सेप्टा, ओ ग्रोवाइल, एक सेकेंड, ये तो बहुत सही चीज़ है यार, ये तो हमें स्टार्टर ही मिल जाएगा। उसके बाद अगर बेकी को कुछ हुआ तो फिर मैं इसको पकड़ सकता हूँ, पर अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी डैमेज किया या फिर इसने मुझे मारा तो बेकी भी मर सकती है यार। ओके ओके, लेट मी टेक आउट एरियल, आरसीएस नहीं बुलाना इसको, एरियल बुलाना है अब। और क्या पता ये कुछ मदद कर पाए हमारी। ओके लियर यूज़ कर रहा था यार, इसको मैं सीधे पोकेबॉल फेंक के देखूँ क्या, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, वरना मर ही जाएगा सच में, कुछ भी करूँगा मैं तो। और अगर ये मर गया तो मैं इस एरिया में कोई पोकेमॉन नहीं पकड़ सकता, और इतना बढ़िया पोकेमॉन मिल रहा है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है, तो नहीं भाई हम तो ये चांस नहीं छोड़ेंगे। 2 3, ओ हो हो भाई थोड़ा सा रह गया। ओके आई विल ट्राई इट अगेन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाली ट्रिक काम कर सकती है भाई, ठीक है तो मैं फिर से पोके वाली फेंकूंगा। बहुत ही वीक है ये पोकेमॉन, बिना पोकेबॉल के तो भाई, बिना मतलब बिना फाइटिंग की पकड़ में आ जाए तो ठीक है। ओ यार थोड़ा सा तो कुछ करना ही पड़ेगा इसका, अगर ये एब्जॉर्ब यूज कर रहा है तो फिर मैं यार रख लेता हूँ फिर उसको ही बेकी को, उसको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा। ओके सो आई विल स्विच बैक टू बेकी, पर भाई कुछ गंदा अटैक मत यूज़ कर लियो प्लीज़ ग्रोवाइल यार प्लीज़। ओके यू एंड आई बोथ कैन बी इन डेंजर, अगर तूने मेरे बेकी को मारा फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एरियल से ऐसा मरवाऊंगा ना मैं तुझे।
बिल्कुल सही। चलो एक एचपी कम हुआ बस इसका, बेकी का। तुम टैकल यूज करते हैं, प्लीज मरियो मत यार। ओ नहीं, ओ बच गए बच गए बच गए। ओके इतने इतने डैमेज करो दोनों एक दूसरे को, ठीक है? ज्यादा कम नहीं, ज्यादा नहीं, बस आराम आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमको, कोई जल्दी नहीं है। लियर यूज कर रहा है यार, लगता है हमको जल्दी मारना चाहता ही है। हमको तो जल्दी नहीं है, उसको बड़ी जल्दी है। ओके अब भाई प्लीज पकड़ में आ जाइए, क्योंकि इसने हमारी डिफेंस भी कम कर दी है। बिना मारे किसी पोकेमोन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है यार। एक दो तीन, फाइनली प्लीज, यस यस यार, कम ऑन गाइस, लेट्स गो यार, लेट्स फ्रीकिंग गो। वो हमारे पास एक पोकेमोन आ गया जो कि मेगा इवॉल्व कर सकता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं बेकी की जगह ग्रोवाइल को रख लूँ यार। अब इसका क्या नाम रखूँ मैं यार? देखो जो मेरे को दिमाग में पहला नाम आ रहा है वो मैं रख देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा नाम रखने में। जो देखो दिल से जो पहला नाम निकलता है ना वही नाम सही रहता है। अगर तुम 10 मिनट तक कोई नाम सोचोगे ना तो वो मतलब तुम दिल से नहीं रख रहे उसके लिए नाम। तो मुझे स्कार अच्छा लगा तो मैंने रख दिया, ठीक है। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा और मुझे स्विच आउट करना पड़ेगा, मुझे ग्रोवाइल को बाहर निकालना है। और बेकी मेरा मरा नहीं है तो मैं बेकी को बाद में यूज़ कर सकता हूँ गाइस। तो बेकी को मैं रख देता हूँ पीसी के अंदर। अगर मैंने बोला था कि मुझे स्कार को बाहर निकालना है पीसी से तो सॉरी, माफ़ कर देना, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। स्कार तो हमारी टीम में ही है, हमने कौन से 6 से ज़्यादा पोकेमॉन पकड़े हैं। अब बस क्या करता हूँ कि स्कार को आगे रख लेता हूँ मैं, जिससे हम लोग स्विच टाइप बैटलिंग कर पाएं। बाई चांस तुमने पहली वीडियो नहीं देखी है और तुम्हें रूल्स नहीं पता नज़लॉक के, तो क्विक रीकैप मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ रूल्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो वैसे देखा जाए तो इसका यही है कि अगर तुम्हारा पोकन फेंट हो गया तो फिर उसे तुम्हें पीसी में रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, ही विल बी डेड। तो ये मेन रूल है। दूसरा रूल है कि तुम्हें निकनेम करना पड़ेगा सारे पोकेमॉन को, जैसे कि मैं निकनेम करता नहीं हूँ पर मैं नज़लॉक में करना पड़ता है। ओ स्कार की लेवल देखो भाई कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, 5 लेवल भाई, कितनी बढ़ेगी इसकी लेवल भाई, ऑलमोस्ट आरसीएस की लेवल तक का आ जाएगा, हमारे एरियल की लेवल तक का। स्कार इज किलिंग इट डूड। ओके हु एल्स इज नेक्स्ट, कोई और? अच्छा ये भी है, ये भी है, काफ़ी सारे हैं, कम नहीं है। आजा भाई तू भी आजा, नहीं आ रहा, चलो इसको बैटल नहीं करनी, इसको तो करनी होगी, देखो भी नहीं करनी, तुम लोग बड़े फट्टू हो यार, फिर तो बैटल नहीं करनी, क्या करना है फिर तुम्हें, गलत बात है यार ये तो। अच्छा दूसरे पोकेमॉन कौन से? बैस्किलिन है यहाँ पे एक। ओके एक तो ग्रोवाइल हमने देखा, एक बैस्किलिन देख रहे हैं हम लोग अभी। इसको मैं मार सकता हूँ तो मैं मार देता हूँ। भाई मुझे मत मार दियो तू यार, तेरे पास कोई तगड़ा अटैक ना हो बस प्लीज। टेल वेप, ओके यार ऐसा ना हो कि मैं वाइल्ड पोकेमॉन से मर जाऊँ, बहुत बुरा हो जाएगा फिर। कम ऑन स्कार, यू कैन डू इट बॉय, ऑसम ऑसम, जस्ट 1 एचपी लेफ्ट, डोंट डाई। ओके पाउंड, पाउंड शुड डू इट। अरे बहुत बढ़िया, चमाट मारा है उसको उसने, देखा तुमने क्या चमाट मारा। ओ भाई एक वाइल्ड पोकेमॉन को हरा के स्कार को इतना एक्सपीरियंस मिल जाता है कि सीधा अगली लेवल पे पहुंच जाता है यार। ओके 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 वी आर डूइंग ग्रेट यार। तो हमें अब पहुंचना है यहाँ पे, ये बंदा तो बैटल करेगा ही करेगा, देख के लग रहा है कि बग कैचर टाइप का बंदा है, कोई बग कैचर नहीं तो यंगस्टर है कोई, पर हम लोग उसको हरा देंगे, चिंता नहीं। बैस्किलिन बड़ी आ रही है, बैस्किलिन को हराने की क्या जरूरत है जब सामने कोई ट्रेनर आ रहा है, तब है ना ट्रेनर। अच्छा ये तो लड़की है, मैंने ये भी रैंडमाइज कर दिया था क्या, क्योंकि वो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने शायद ये भी रैंडमाइज कर दिया यार लगता है, ये ट्रेनर्स भी रैंडमाइज, अरे हाँ किए तो थे मैंने। ओके अभी मुझे याद आया, तो मैंने ट्रेनर्स भी रैंडमाइज कर दिए थे, तो जब ट्रेनर से तुम बैटल करोगे वो अलग ही कुछ बन जाएगा, इसलिए पहला वाला ट्रेनर वो निंजा बन गया था यार, अब मुझे याद आ रहा है तभी ऐसा हुआ था। तभी मैं सोचूं यार गेम्स में निंजा तो बड़ा रेयर आता है, ये कैसे आ गया पहला वाला निंजा ही। तो ट्रेनर्स भी रैंडम है, उनके लूट जो वो लोग देंगे वो भी रैंडम है, सब रैंडम है भाई, सिवाय मूव्स के, पोकेमॉन मूव्स के और स्टैट्स के और उनके टाइप्स के। ऐसा नहीं है कि भाई बिडूफ वो बन जाए फायर टाइप बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके टाइप सेम है। एंड देयर गोज आरसीएस, भाई बढ़िया लेवल बढ़ गई इसकी, स्कार की भी लेवल बढ़ गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई आराम से बस भाई, आरसीएस की लेवल तक का आ गया ये, एरियल की लेवल तक का आ गया। माइलोटिक नेक्स्ट,
दो लेवल की बस, चल बे। पनिशमेंट है बड़ा अच्छा अटैक, पर यार इसकी पीपी बड़ी कम है यार। पर लग जाता है ना जब एक बार, तो बचता नहीं है पोकेमॉन फिर, बिल्कुल इसकी तरह। ओके वी हैव डिफीटेड दिस गाय, ये गर्ल, क्या बोलूँ मैं इसको यार, इसका नाम एलिन है यार, लड़कों वाला नाम है। ब्लू फ्लूट, ओह माय गॉड, क्रेजी डूड। तो इनका जो टेक्स्ट स्पीच होता है ना, जो ये लोग बोलते हैं बैटल के बाद में, वो भी ग्लिच्सा कर गया है भाई इन सब की वजह से। बेलस्प्राउट, अभी देखो लेजेंडरी से पोकेमॉन आ रहे थे, अभी देखो भाई बेलस्प्राउट और बैस्किलिन कैसे कैसे पोकेमॉन आ रहे हैं। ओके हमें कुछ नहीं करना है इनसे, हमें तो ये बेरीज चुरा के भागनी है। ओके हम लोग अगली जगह पहुंचने वाले हैं, ये तो ट्रेनर टिप्स ही शायद से। पेटलबर्ग सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज अ गर्ल, आई होप माई पोकेमॉन आर डूइंग ओके। लिलीगेंट इज नो मैच फॉर मी एंड माई एरियल। लिलीगेंट तो कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई, कुछ भी नहीं। देखना चाहेगा लिलीगेंट तू कैसे कुछ नहीं कर पाएगा, वो खुद ही पॉइजन हो गया भाई। वाह बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे यार पनिशमेंट की यही खत्म हो गई यार, मुझे लगा था मैं अभी हीरो बनूंगा, पर नहीं, हमें अब साइस्मिक टॉस यूज करना पड़ेगा, क्या पता यूज करते करते हम मर ही जाएं। ओ भाई इसने तो हेल्थ काफी कम कर दी यार, अब बस आगे जाके हमें एक पोकेमॉन सेंटर जल्दी से जल्दी मिल जाए जिससे हम लोग हील कर पाएं, क्योंकि ये तो हमारा हो गया लास्ट अटैक। लिलीगेंट बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट टाइम। क्या सीख रहा है ग्रेविटी? ओके आई गेस मैं नेचुरल गिफ्ट को हटा देता हूँ, नेचुरल गिफ्ट में वैसे भी यूज़ नहीं करता यार, और बेरीज भी मैं कम ही पकड़ाता हूँ पोकेमॉन को, तो मैं क्या करूँगा नेचुरल गिफ्ट का। एंड देयर वी गो, ग्रेविटी मतलब काम कमी आती है पर कई बार आ भी जाती है, जैसे कोई पोकेमॉन है उसके पास लेविटेट एबिलिटी है होती है, तो फिर तुम ये यूज़ करो और उसकी वो एबिलिटी काम नहीं आएगी और तुम उसको फिर हिट कर पाओगे प्रॉबेबली इलेक्ट्रिक ट्राइब मूव से, जो कि अच्छी बात है। ओ ब्रैंडन आ गया, क्या हुआ ब्रैंडन, हाउ इज इट गोइंग राइली, होप यू हैव बीन यूजिंग योर डेक्स नैव एंड परफेक्टली परफेक्टिंग योर स्नीकिंग स्किल्स। मुझे मिले ही नहीं यार वो ऐसे वाले पोकेमॉन। ओह एंड डू यू नो अबाउट योर डेक्स नैव डिटेक्टर मोड, राइट, इट विल रिएक्ट टू एनी पोकेमॉन इन द एरिया सो इट्स प्रीटी हैंडी टू यूज। मैंने वो यूज नहीं किया भाई, कर लूंगा यूज। क्या हो गया, मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ पे तुझे क्या दिख रहा है। ओह चेक हिम आउट, ओह ब्यूटी फ्लाई, मुझे लगा ग्रास में कुछ दिख रहा है इसको। और हम आ चुके हैं सेकंड टाउन में ही, पेटलबर्ग सिटी में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे जाके हम लोग अपने पापा से मिलते हैं जरा। आई एम थिंकिंग मे बी आई शुड चैलेंज हिम वंस आई ट्रेन अप माई पोकेमॉन अ बिट मोर। अभी तो तू बिल्कुल भी मैच नहीं है भाई उनके लिए, पर मैं बताऊँ मैं सच में मैं भी उनके लिए मैच में नहीं हूँ बिल्कुल भी, उनको हराना थोड़ा मुश्किल है अभी। पर यार ये तो वैसे भी अब रैंडमाइजर हो गया ना, तो क्या पता उसके पास बहुत चुल्लू चुल्लू पोकेमॉन आ जाए और हमारे पास आरसीएस है, मज़ा आ जाएगा यार। पर अभी हमसे वैसे बैटल करता नहीं है वो, तो हमें भगा देगा। बट नेक्स्ट जिम आई एम प्रीटी श्योर कि मैं जीत जाऊंगा भाई ऐसे पोकेमॉन के साथ, तो जब तक भाई उसके पास इनसेन पोकेमॉन ना आ जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, रैंडमाइजर रैंडमाइज होता है, तो हो सकता है जिम लीडर के अच्छे पोकेमॉन बुरे पोकेमॉन से बदल जाएं। ओ ये रहे हमारे पापा, नॉट बैड, इट वॉज अ गुड बैटल, थैंक यू सर, कम बैक एंड चैलेंज यू अगेन एनी टाइम, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एंड योर पोकेमॉन अगेन व्हेन यू आर बिट स्ट्रॉन्गर। तो अभी लगता है कि जिम बैटल करके ही निकले हैं हमारे पापा जी। और पापा जी सब बढ़िया चल रहे हैं जिम बैटल बैटल? ऐसा नहीं है कि हमारे पापा एज अ ट्रेनर भाई रैंडमाइज हो जाएं? अरे ये हो तो नहीं जाएगा यार, ये गलत हो जाएगा फिर तो। डू यू वॉन्ट टू कम इन फॉर अ बिट, वी कैन टॉक इन द जिम, ऑफकोर्स यार डैडी, थोड़ी बात बात करते हैं, बहुत दिनों से बात ही नहीं की आपसे मैंने। यू नो आई शो वॉज सरप्राइज दैट यू मैनेज टू गेट हियर बाय योरसेल्फ, आई सी यू आर मेकिंग अ गुड स्टार्ट ऑन योर टीम, देन आई गेस यू आर गोइंग टू बिकम अ ट्रेनर लाइक मी राइली। अच्छा एक बंदा आया है पोकेमॉन मांगने के लिए, इसको तो हम जानते ही हैं भाई, इसको हमें ही पोकेमॉन दिलाना पड़ता है, इसका नाम है वॉली, ठीक है, तो ये मतलब किसी और सिटी से आया हुआ है, पर ये हमारी मदद मांगता है पोकेमॉन पकड़ने के लिए, तो हम लोग इसकी मदद करते हैं। इसको मिला एक ज़िगज़ागून एक पोकेमॉन पकड़ने के लिए, तो वैसे तो इसको वो मिलता है रॉल्स, अब इसमें देखना पड़ेगा कि इसको क्या मिलेगा, क्या पता इसको रॉल्स की जगह ड्रैगनाइट मिल जाए, है ना। चलो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, देखते हैं भाई क्या मिलने वाला है इसको। भाई मुझे पता है पोकेमॉन कैसे पकड़ते हैं यार, तो मुझे सिखा रहे हैं, अभी मैं पोकेमॉन पकड़ के आ रहा हूँ। ये क्या बंदा है इसको, अच्छा रॉल्ट्स ही मिला यार इसको, तो लगता है स्टोरी ऐसे बदलती नहीं है, जो कटसीन होता है ना शायद वो कटसीन तो सेम ही रहता है, ये वाली चीज़ हमारी तरह नहीं रहती है।
तो इसको मिला है रॉल्ट्स, पर क्या पता इन गेम जब हम इसे बैटल करें तो रॉल्ट्स ना रहे इसके पास। ओके, 2 साल की बैटल के बाद अब लगता है ये पोकन अब ये वाला पकड़ने वाला है। भाई 2 साल लग गए इसको इतना डैमेज करने में। ज़िगज़ागून है भाई आखिरकार इसके पास पोकेमॉन। अरे यार तब तक ये पकड़ रहा है, मेरे को अभी याद आया कि ये गैलारी है ज़िगज़ागून किस किस ने नहीं देखा यार। कल ट्रेलर आया था भाई इसका पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पर मैं बताऊँ उसमें कुछ गैलारियन फॉर्म्स दिखाए गए थे, उसमें से एक ज़िगज़ागून था और गैलारियन लिनून भी था। और भाई ये तो मानोगे नहीं, लिनून का भी इवोल्यूशन है भाई गैलार में, तो कहीं और नहीं है, किसी और रीजन में नहीं है, बस गैलार के लिए एक्सक्लूसिव है। चलो हम लोगों ने इसको पकड़वाने में मदद कर दी, इसने कुछ तो प्ले नैव करके फीचर डाल दिया हमारे पोके नैव में, थैंक यू, आई यूज दैट फॉर श्योर। अभी के लिए तू एक काम कर, निकल ले यहाँ से। हाँ बढ़िया, बंदा बात मान जाता है। ओके तो पापा जी हमको भगाने वाले हैं, बोल रहे हैं कि अगले जिम में जाओ बेटा, तुम अभी बाप को ना हराने की सोचो, बाप बाप होता है, ठीक है हम भी मान के चल जा रहे हैं। वैसे अगर तुम लोगों को ट्रेलर ब्रेक थ्रू देखना है कल वाले ट्रेलर का, तो फिर मैं डाल चुका हूँ ये वीडियो या फिर डालने वाला हूँ आज, तो देख लेना तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या बताया गया था ट्रेलर में। ओ ये फाइनल घर एक बचा हुआ है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये वॉली का घर है क्या? हाँ वॉली का घर है ये। और अंकल वॉली क्या कर रहा है आजकल, सब बढ़िया? जैसे अभी मैंने उसको पोकेमॉन नहीं दिलाया था, मेरे बारे में तो बताया ही होगा उसने। चलो फिर कहीं कुछ नहीं है तो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्यों रहे यहाँ पे। रूट 104, ओके ट्रेनर्स, आई लव ट्रेनर्स यार। ओ मिला 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 मिला, एक पोकर मिला भाई। ओ यार मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी था, करना पड़ा यार, वरना ऐसे तो मैं पता नहीं कब तक पहुंचता उसके पास, पर ठीक है काम करता है ये, कभी कभी काम करता है कभी कभी नहीं करता है, पर अगली बार जब मिलेगा तो मैं जरूर पकड़ लूंगा उसको। तू भी बैटल नहीं कर रही? कोई बैटल कर ही नहीं रहा मुझसे यार, कोई तो बैटल कर लो, ओए बैटल करना, बढ़िया अब करते हैं इससे बैटल दराम। ओहो महारानी जी के पास डिटो है, क्या बात है, डिटो लेके घूम रही है लार साहब। ओके मैं क्या करूँ, एब्जॉर्ब कर लूँ? मेरे में तो वैसे ही बदलने वाला ही है, तो फिर करने का भी क्या फ़ायदा भाई, लो ट्रांसफॉर्म हो गया। पर यार तू मेरे स्कार जितना पावरफुल नहीं हो सकता, चाहे तू जितना भी ट्रांसफॉर्म कर लेना, मेरे स्कार की जितनी स्ट्रांगनेस ना तेरे पास नहीं आ पाएगी, पाउंड कुछ नहीं कर पाएगा तेरा, चलना लुल्लू आदमी, वो भी क्रिटिकल हिट था, वाओ। अरे क्यों आंखें से आंखें मिला रहा है इसे, अभी तो उसे मरना है क्या पागल? बोला था मैंने मेरे ग्रोवाइल को गुस्सा आ जाता चाटा मार देता है, फिर वो पड़ गया मस्त चाटा। शार्पीडो भाई, ये तो ऐसे ऐसे पोकन आ रहे हैं जो कि स्कार के रहने के लिए एकदम सही है भाई, एकदम सही है। बस शार्पीडो से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, शार्पीडो कैन बी अ लिटिल बिट डेंजरस। शार्पीडो प्लीज डोंट डू एनीथिंग। ओके लियर लियर लियर, यार इन लोगों ने मेरे पे इतना लियर यूज किया ना कि अगर मैंने एक अटैक लिया तो आई एम डन, आई एम लिटरली डन यार। मेरे ऊपर 3 बार लियर यूज हो चुका है, पर मैंने उसका मौका नहीं दिया और उसको हरा दिया। अरे बहुत ही प्यारा यार स्कार, मुझे लगता है कि जल्दी स्कार हमारा मेन पोकन बनने वाला है और RCS हमारा सेकेंडरी पोकन बन जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। मैं यार RCS को आगे रख लेता हूँ भाई, ज़्यादा हो गया अब तो ये। एरियल इट्स योर टाइम टू कम बैक बॉय, आइटम्स बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं जो भी कहो। ओके RCS प्लीज़ रिटर्न बॉय प्लीज़। ओके अब हम एरियल को वापस से ट्रेन करना चालू करना पड़ेगा हमें। आ जा यार कोई तो बैटल कर लो यार, कोई बैटल ही नहीं कर रहा यार, क्या बात है ये। ओके 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 वो पोकेमॉन आ गया वापस से, इस बार एकदम साइलेंट मूव, ठीक है एकदम साइलेंटली जाएंगे और इसको पकड़ेंगे भाई, देखते हैं क्या मिल सकता है हमें। कितने स्लो हैं हम, पर ऐसे ही पकड़ सकते हैं इसको, ये बात। प्लीज कुछ अच्छा हो, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा वैसे मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ नहीं पकड़ सकता, मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ यहाँ पे पोकेमॉन। सैड लाइफ यार, सैड लाइफ यार, ये तो आते ही जा रहे हैं ऐसे वाले पोकेमॉन, और ये इंडिकेटर बीच में चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहा है। क्या करूं मैं इस इंडिकेटर का, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। चलो ऊपर जो रास्ता है हम लोग उस पर चलते हैं। ओए बंदे रड़ेगा तू, कैन यू गिव मी वन पोशन, ले ले यार तू भी क्या याद रखेगा, चिंता मत कर ले ले, कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया, अच्छा खासे इसने हील कर लिया अपने पोकेमॉन। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं स्टोरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि करनी पड़ रही है, ठीक है करनी पड़ रही है,
मैं करना नहीं चाहता, पर तुम लोगों ने पहले ही बहुत सारी स्टोरी देख रखी है और मैं क्या करूँगा फिर से दिखा के। कुछ ऐसा मेन कुछ नहीं है भाई स्टोरी में, वही पुरानी स्टोरीज हैं और कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इसमें रेयर पोकेमॉन के लिए खेल रहा हूँ सच में, मुझे इसमें बैटलिंग के लिए कॉम्बैट के लिए खेल रहा हूँ मैं तो बस। ओके पेविलियन भाई, पनिशमेंट से काफ़ी काम बन जाता है हमारा, पनिशमेंट के अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ता। और ये बंदा तो लगता है पैसे भी बहुत देने वाला है क्योंकि ये रिच वाला बंदा है। ओहो क्या यूज़ कर रहा है भाई, मार मत दियो बस एरियल को, तू बता रहा हूँ मैं यार, एरियल को तो हील करना पड़ेगा पर हील करने का टाइम नहीं है ना, तो हमें स्कार को निकाल लेना चाहिए। ओहो भाई इसका ये अटैक सुपर इफेक्टिव है इस पर, अरे यार पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, देखो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेट्स जस्ट यूज क्विक अटैक और विश करते हैं कि जल्दी जल्दी मर जाइए। भाई गस्ट मत यूज कर प्लीज यार, ओ नहीं यार स्कार, भाई स्कार क्या हुआ तुझे भाई, मर मत जा तू, तू मेरा इकलौता मेगा इवॉल्व करने वाला पोकेमॉन है भाई, अभी मत मर प्लीज ठीक है। मेरे पास पोशंस कितने हैं, एंटीडोट है मेरे पास बस, यार पैरालाइज हील क्यों नहीं है मेरे पास, मेरे पास पैरालाइज हील क्यों नहीं है भाई। एरियल नहीं मर पाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एरियल गस से तो नहीं मरेगा, तो कम से कम एरियल को ही बाहर रखता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता कि स्कार के साथ क्या हो जाए ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क बट स्कार यू विल बी इन द बैग, ओके चुपचाप से बैग में बैठा रहे तू, इसको अपना बंदा संभाल लेगा ओके। एरियल विल लुक आफ्टर दिस गाय, कम ऑन एरियल कम ऑन, पैरालिसिस से हट जा भाई, अरे कोई बात नहीं भाई पैरालिसिस होता रहता है, इसको दूर भगा, कम ऑन आरसीएस कम ऑन एरियल, ये बात बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छे भाई। अरे ये हुई ना कुछ बात यार, इस बैटल ने मुझे डरा दिया था यार, अभी मेरा स्कार मर जाता, अभी मेरा स्कार बुरी तरह से मर जाता यार। ओ माय गॉड एरियल लेवल 11 का हो गया भाई, इतनी हीटेड बैटल के साथ स्कार की भी लेवल बढ़ गई, बाप रे बाप। 960 इसने बस दिया हमें पैसे पर, ठीक है भाई ओके मैं हील करके आता हूँ यार, क्योंकि इस बैटल ने ऐसी तैसी कर दी। अरे भाई बल्बसोर आ रहा है इधर, अब मैं यार इसको पकड़ तो सकता नहीं हूँ, क्या करूँगा रन ही कर देता हूँ, मैं मारना नहीं चाहता इतने प्यारे से जानवर को, मैं रन कर देता हूँ, यही मतलब वो जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ ना वहाँ पे आ रहा है यार, क्या करते उसको मार के बेचारे को। हम लोग चलते हैं भाई इस फॉरेस्ट में हम लोग पकड़ सकते हैं ठीक है, फॉरेस्ट में हमें पकड़ने का एक चांस मिलेगा पेटलबर्ग वुड्स में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक भी नहीं पकड़ा अभी तक। ओके यहाँ पे पहला एनकाउंटर देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ अच्छा हो प्लीज। अरे आवे लग अच्छा यार, मतलब पकड़ लेता हूँ, पकड़ना तो देखो है ही यार, पहला एनकाउंटर इज द मेन थिंग, पकड़ना है तो पकड़ लो, नहीं पकड़ना तो भाई भाड़ में जाओ ऐसा बोला जाता है, पनिशमेंट से ही मर जाएगा तो मर जाएगा। देखो मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ उसको पकड़ने के लिए, तो अगर मर जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं मरा अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है भाई, फिर तो इसको पकड़ ही लेते हैं। पोकेमॉन होना अच्छी बात है भाई, नजलॉक में तो जितने ज़्यादा पोकन होती है अच्छी बात है, पोकन फेंट हो गया मर गया तो दूसरा निकाल लो बैग में से, आई जगह पकड़ में, इसमें भी क्या काउंटडाउन करना, आ जाएगा। ए भाई क्या तुम तो अलग ही टेंशन में हो यार, हम तो गारंटी लेके बैठे थे तुम्हारी, गलत बात है यार, नाक कटा रहे हो बंदे की ना, इस बार काउंटडाउन करना पड़ेगा लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता ऐसी आना, 3 2 1 बाट ऐसा ना करो यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार ये भाई, स्किल बैश मत यूज़ कर प्लीज भाई, मेरे पास बस 4 पोकेबॉल हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही अमीर की औलाद हूँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पास 4 पोकेबॉल हैं, प्लीज़ आ जाइए पकड़ में प्लीज़ सरदार, हम आपके हाथ पैर सब जोड़ते हैं, प्लीज़ आ जाइए भाई, एरियल को भी मारे जा रहा है, पोकल में पकड़ में नहीं आ रहा, अब कितनी हेल्थ कम करूं तेरी, मैं बता अधमारा कर दूं तेरे को मैं भाई, क्या चाहता है तू मेरे को ये बता दे, तू भाई चाहता क्या है तू भाई, ये अलग ही टेंशन में आ रही बंदा सच में। अब मेरे पास लास्ट पोकल बचेगी, नहीं सेकंड लास्ट बचेगी भाई, अगर पोकल खत्म हो गई तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पकड़ में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए भाई, देखो अब तो यार एक बार भी नहीं हिल रही पोकेबॉल यार, इसने क्या डिफेंस पावर बढ़ा ली अपनी, समझ में नहीं आ रही बात, तो ये लास्ट पोकेबॉल है यार, आ जा यार प्लीज, 1 2 3 प्लीज, यस यार, क्या नखरीला बंदा था यार, ये ऐसी पोकेबॉल मिलते रास्तों में तुम्हें, इतने नखरीले भाई, इसका नाम कुछ तगड़ा सा रखना पड़ेगा,
अपुन इसका नाम रखेगा चोजी, ठीक है? दिस इज अ जापानीज नेम, चोजी। यार यही स्पेलिंग होनी चाहिए, डबल W तो नहीं आता। देखो भाई मेरा तो यही स्पेलिंग मैं रख रहा हूँ, चाहे डबल U आता हो या कुछ भी आता हो, चोजी। जिनको समझ में आ रहा था आ गया कि कहाँ से मैंने लिया ये नाम चोजी, बाकी मैं समझाने से रहा, ठीक है? तुम खुद समझ जाना। ओके, अरे भैया यार ये ऐसे वाले पोकन बड़े आ रहे हैं यार, पर मिल बढ़िया मस्त जाते हैं यार पोकन इनसे। मुझे बल्बसौर दिखा था पिछली बार, क्या पता इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख जाए। लेट्स सी क्या है क्या है। ओ एस्पियन, एस्पियन यार ये एक अच्छा पोकन हो सकता था अगर मैं ये आइस टाइप ना पकड़ता तो, और ये तो मैं दिल से पकड़ना भी चाहता हूँ यार एस्पियन तो। बट वी मिस द चांस। देखो यार मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ गॉड, तो मुझे नहीं पता था कि एस्पियन मुझे मिल भी सकता है, और ये टोटली रैंडमाइज्ड है ना, तो मुझे कौन सा पता रहेगा कि एस्पियन मिल जाता मुझे। अब क्या पता मुझे अगले एनकाउंटर में रिक्वेजा मिल जाए, है ना, हमें क्या पता रहेगा। फिर मैं वो भी रिग्रेट करूंगा कि यार रिक्वेजा मिल रहा था, मैंने क्यों पकड़ लिया इसको। अब अगर मैंने इसको रैंडमाइज किया है तो मैं सोच रहा हूँ मैं बैटल्स दिखाया करूंगा, क्योंकि असली मज़ा तो उसी में आएगा ना यार, जब तुम रैंडमाइज करते हो तो तुम्हें देखने का ये मन करता है कि ट्रेनर्स के पास कौन से पोकन आएंगे, तो उसकी वजह से मैं रैंडमाइज की बैटल्स दिखा दिया करूंगा, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत बैटल्स दिखा दिया करूंगा। ड्रेपियन निकाल रही है अभी तो यार, मुझे अपने एरियल को ट्रेन करना है तो मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ उसको ट्रेन करने के लिए। शैल नॉट स्विच माई पोकेमॉन एटलीस्ट फॉर नाउ, पनिशमेंट यूज कर रहा हूँ मैं तो बस। ओह ये एक इंटरेस्टिंग पोकेमॉन है यार, क्रूकडाइल आ रहा है। ओ माय गॉड दैट इज इंटरेस्टिंग यार। स्कार को निकालता हूँ, स्कार कैन हैंडल क्रूकडाइल, क्रूकडाइल बोलते हैं, क्रोकोडाइल, क्रूकोडाइल कैसा नाम है इसका, क्रूकोडाइल सैंडाइल, और इसके बाद क्या बनता है ये पता नहीं यार, इसके बाद का भूल गया मैं। फिर लास्ट वाला ये क्रूकडाइल, ऐसे लगता है सनग्लासेस से पहने हुआ है ये, ब्लैक कलर के। ये ऐश के पास भी है वैसे पोकेमॉन, अगर तुम लोग को नहीं पता हो, उनोवा लीग काफ़ी सारे लोगों ने शायद मिस कर दियो तो नहीं पता होगा, पर क्रूकडाइल ऐश के पास है, या क्रूकोडाइल है बे यार, क्रूकोडाइल होता है, क्रूकोडाइल दिमाग में बिठा ले ऋषभ अपने। ओ यस मेगा ड्रेन यार, यही तो चाहिए था इतनी देर से। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लियर को डालता हूँ, लियर को डालूँ क्या यार, लियर यार काम आ सकता है बाद में, पाउंड डालता हूँ। देखो डैमेज क्विक अटैक का और पाउंड का एक ही रहता है, बस क्या है क्विक अटैक के एक और एडवांटेज रहती है स्पीड वाली, तो क्विक अटैक रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेगा ड्रेन सिखा दिया मैंने। अभी कोई भी पोकेमॉन आया करेगा ना, मैं सबसे पहले उसका नाम लेने का ट्राई करूंगा, मतलब जैसे वो बोलता था ना एनिमे में वैसे ट्राई करूंगा। अब उससे मुझे ये याद आएगा कि भाई बोलते कैसे थे ये लोग एनिमे में, क्योंकि मुझे ज़्यादातर बात तो याद ही नहीं रहता। अरे ये तो वो जगह है जहाँ पे टीम ओमेगा सबसे पहली बार अपीयर होती है। ओके हम लोग सही जगह पे आए हैं, अरे वो लोग बैटल भी करते हैं यार, मेरे पोकेमॉन सब सही है ना, अरे यार नहीं है सही। अब मैं वापस जाने के लिए लायक तो नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं जा रहा वापस से, वरना घास वास में से फिर से निकलना पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑरेंज बेरीज मेरे पास काफ़ी पड़ी हैं, तो मैं इसी से हील कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा बहुत हील कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वैसे चोजी की, एरियल ही काम कर देगा हमारा। और साइंटिस्ट क्या हो गया तेरे को, रोता रहता है उधर उधर हैं, सुरमेश पे कर रहा था रिसर्च और आ गया टीम ओमेगा का बंदा। ओहो हो आई वॉज गोइंग टू एम्बुश यू बट यू हैड टू डॉडल इन पेटलबर्ग वुड्स फॉर एवर डिडंट यू। तो ये इसको आ गया है परेशान करने के लिए, और ये दुबक गया मेरे पीछे। हाँ भाई हाँ, हम तुम्हें बचाने के लिए पैदा हुए हैं, हमको भगवान ने इसलिए भेजा था कि एक पागल साइंटिस्ट को बचाना है तुम्हें, बिल्कुल। ओ माई गॉड सीक्रेट बेस्ड ट्रेनर ग्रंट बना दिया रे इसको तो इन्होंने, और कुलावा है इसके पास भाई साहब। ट्रेनर्स कुछ ज़्यादा ज़्यादा ही नहीं हो जाते हैं रैंडमाइज, हाँ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा रैंडमाइज नहीं हो जाते हैं। ओके हाँ यार साइज में टॉस पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। अब यार आइस टाइप्स में साइज में टॉस सुपर इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि फाइटिंग टाइम हुआ है, पर क्यों नहीं होता इसमें, हो ही नहीं रहा सुपर इफेक्टिव, पता नहीं क्यों, पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आई डोंट नो बट आई विल यूज पनिशमेंट बिकॉज ये मरने वाला है। Avoided the attack? नहीं यार seriously? चलो अब यूज करना ही पड़ेगा seismic toss। ये ले भाई तेरा final seismic toss। टीम ओमेगा बड़ी सिंपल सी है हराने के लिए यार, चाहे क्या स्पेशल सीक्रेट बेस ग्रंक हो या कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही है। वैसे इसको पहली बार देख रहा हूँ मैं तो, मैंने ओमेगा रूप ही ज़्यादा खेला नहीं ना, तो शायद इसलिए मुझे पता नहीं है कौन है। और ये निकल लिया, चलो। और साइंटिफिक भैया आप हमें कुछ देने वाले थे, है ना,
एक्सपीरियंस शेयर, यस ऑफ कोर्स। ओके, हम लोग एक्सपीरियंस शेयर पकड़ा सकते हैं, वो स्विच ऑन कर सकते हैं, ऐसा पकड़ाने का सिस्टम नहीं था। स्विच ऑन करोगे तो अपने आप ही मतलब सब में बढ़ जाएगा एक्सपीरियंस। बहुत ही बढ़िया, आप निकल लीजिए यहाँ से, आपने बहुत टाइम वेस्ट करा दिया हमारा, हम ऐसे फालतू नहीं बैठे हुए हैं। कि राज भी हमें काफ़ी सारे रैंडमाइज स्पोकन देखने को मिले और हमने काफ़ी सारे पकड़े भी हैं। अब हमें यार अच्छे से लेवल अप कर रहे हैं स्कार को, स्कार आगे जाके बहुत हेल्प कर सकते हैं हमारी। और बहुत सारे लोग डर रहे थे यार, अब तू रैंडमाइज कर रहे तो फिर मेगा वॉल्व पोकन कहाँ से लाएगा। भाई हो गया काम, सीरियसली बस इतना सही करना था, मैंने तुम्हें बोला था। तो गाइस अभी तक लेता ही यार, आई होप यू गाइस एंजॉयड। अगर मजा आया तो भाई लाइक मार देना यार, एम करते हैं 3650 लाइक्स के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।